नमस्कार, दैनिक भरोसा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का शनिवार को दूसरा दिन है। सोनिया और राहुल गांधी के बाद आज सुबह प्रियंका गांधी भी रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया और बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उन पर फूल बरसाए। प्रियंका के लिए 1 किलोमीटर तक गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई। 3 दिन चलने वाले अधिवेशन को मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी संबोधित करेंगे, तो वहीं राहुल आखिरी दिन यानी रविवार को संबोधित करेंगे। उधर खबर है कि पार्टी इस अधिवेशन में अपने संविधान को बदल सकती है। संगठन के पदाधिकारियों को दी गई शक्तियों के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। इनमें ये 5 नियम अहम हैं। मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ऐसे बने कि हर वर्ग को लगना चाहिए कि सरकार मेरी है। आज हमें ये कहने में गर्व हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था वह पूरा हुआ। आपको बता दें कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई, इसमें यह फैसला हुआ कि कांग्रेस कार्यसमिति के चुनाव नहीं होंगे। बैठक में शामिल सदस्यों ने आम सहमति से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC में मेंबर चुनने का अधिकार दिया। इसके साथ ही संगठन में SC ST OBC युवाओं और महिलाओं को 50% तक आरक्षण देने का फैसला हुआ।